नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए सोशल मीडिया पर भारत सरकार की तरफ से उन्हें भेजे गए 26 जनवरी ग्रीटिंग को शेयर किया। उन्होंने कहा कि पीएम के इस जेस्चर और शब्दों के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2003 में यहाँ कदम रखने के बाद से मुझे इस देश से प्यार हो गया। उन्होंने आगे कहा कि उनसे हाल ही में पूछा गया था कि इस देश में उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा यहाँ के लोग। केविन के देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि मैं पीएम से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा समय भी जल्द ही आएगा। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं तहसील कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हरीश रावत लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। हरीश रावत के चुनाव लड़ने के बाद सभी कांग्रेस एकजुट हो गए हैं। हरीश रावत के चुनाव लड़ने के लिए पूर्व कैबिनेट हरीश चंद दुर्गापाल और वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा के समर्थकों ने भी ताकत झोंक दी है। चमोली की तीनों विधानसभा सीटों के लिए अब तक कुल 23 दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें अभी तक सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी कर्णप्रयाग विधानसभा से और 8 प्रत्याशी बद्रीनाथ विधानसभा से और सबसे कम 4 प्रत्याशियों ने थराली विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं नामांकन के अंतिम दिन देखने वाली बात होगी कि जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर और कितने उम्मीदवार नामांकन कर सामने आते हैं। बहरहाल थराली विधानसभा के लिए कांग्रेस से डॉक्टर जेठराव आपसे गुड्डूराम और बीजेपी से भोपाल राम ने नामांकन किया है। थराली विधानसभा की जनता ने पूर्व में मुझे 2012 से 17 तक आशीर्वाद दिया था और इस क्षेत्र की सेवा का अवसर प्रदान किया था और हमने इस क्षेत्र की सेवा पूरे मनोयोग से किया है और आने वाले समय में भी जो थराली विधानसभा की इन 5 सालों पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कार्य अवरुद्ध हुए, जो विकास रुका, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, यातायात के क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, जो विकास के लिए तमाम संभावनाएँ हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, कृषि का जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो ये तमाम समस्याओं को हम आगे दूर करने का प्रयास करेंगे और जनता के विकास के लिए, जनता के हित में आगे बढ़ के काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, नौजवानों का, व्यापारियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनकी जन भावनाओं के अनुसार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक रही कि बात, हम तो ये समझते हैं कि शायद उससे भी आगे हम जाएंगे। आज आयसा और इनॉस ने बिहार बंद का आह्वान किया। इसको लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं इस प्रदर्शन को महागठबंधन समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। पटना के अशोक राजपथ में साइंस कॉलेज के पास भी छात्रों ने हंगामा किया। यहां एनआईटी मोड के पास जन अधिकार पार्टी के छात्र नेताओं ने अशोक राजपथ जाम कर दिया। पटना के भीखना पहाड़ी मोड़ के पास छात्रों ने रोड जाम कर हंगामा किया। वहीं टायर जलाकर आगजनी भी की है। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। अशोक राजपथ में हंगामे के दौरान पुलिस की गाड़ियों का भी रूट चेंज कर दिया गया है। इस दौरान काफी संख्या में सड़क पर छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने कहा है कि कोचिंग संचालक सरकार से डर गए हैं। छात्र घायल हुए, 4 छात्र हमारे जेल चले गए, 1 व्यवसायी दुकानदार चले गए जेल। किस तरह से पुलिस ने लॉज में घुसखुस मारने का काम किया, क्या यही है? छात्र अपना हक मांगेंगे तो लाठी चार्ज होगा, आंसू के गोले छोड़ेंगे क्या? हिटलर शाही सरकार नहीं चलेगी। और हम सभी छात्र इस आंदोलन में शांतिपूर्ण कर रहे थे, लेकिन पुलिस उसकाती है और कुछ टीचर उसका रहे हैं, ये नहीं चलेगा। छात्र कुछ टीचर है उसका, कुछ टीचर है, छात्र किसी बहकावे में नहीं आ रहे हैं। Yeah.
मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल सैनी के लिए प्रचार करने पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खतौली विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, जहां पर एक सभा का आयोजन भी किया गया था। वहीं उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी के लिए जनता से वोट देने की अपील की है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, एक नजरिया होता है। लेकिन अभी भी मोबाइल फोन पे जब कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है तो हमारे नौजवान, हमारे बालक शायद नहीं समझ पाते, उनको लगता है ये भी सही होगा। छोटी छोटी क्लिप बनाकर इनके पास तो पूरी फौज है जो उसी काम में लगी रहती है। यहाँ की खबर वहां फैलेंगे, वहां की यहाँ फैलेंगे, तोड़ मरोड़ कर भाषा को दर्शाया जाएगा। तो एक आदमी बोल रहा है और बताया जाएगा कि पूरे समाज की अवहेलना होगी। चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज और बीजेपी सदर प्रत्याशी पंकज गुप्ता ने यज्ञ कर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने नामांकन किया है। वहीं नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सख्ती के साथ पुलिसकर्मी सहित पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद रहे। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसी कड़ी में सीतापुर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं प्रशासन ने नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्याशियों सहित 3 लोगों के जाने के ही आदेश दिए हुए हैं। मैनपुरी में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन के दूसरे दिन आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने जहां बीजेपी से मैनपुरी की भोगावा सीट से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी सदर सीट से पर्चा भरा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि वो 100% जीत हासिल करेंगे, जनता और देश की सेवा करेंगे, जिले और विधानसभा का विकास करेंगे, कानून और विकास उनके मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने से यहाँ की किसी भी सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समाजवादी पार्टी पर उल्टा असर पड़ेगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि करहल विधानसभा अखिलेश यादव के विरोध में अच्छा प्रत्याशी ढूंढकर नामांकन से पहले लाएगी और चुनाव लड़ाएगी। आदरणीय योगी जी और मोदी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोक हित में, लोक कल्याण के लिए, जनहित में और पूरे प्रदेश की कानून और व्यवस्था में मूल चूक परिवर्तन करके जो काम किया है इस डबल इंजन की सरकार ने, उसी का परिणाम होगा कि आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और हम 300 से ज्यादा पहले से ज्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैनपुरी सदर पर भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या अनुमान लगाया जाए कि कमल खिलाने में सफल होंगे आप, या दो बार से सपा विधायक ने जिस तरीके से साइकिल चलाई है वैसे साइकिल चलेगी? साइकिल तो पंचर हो चुकी और आज जो दुर्गति बहुजन समाज पार्टी की है प्रदेश में, वही स्थिति समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। हम जिले की चारों सीट जीतेंगे। पीलीभीत में विधानसभा चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रपत्रों की बिक्री का काम शुरू हो चुका है। कलेक्ट्रेट परिसर में इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया, साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है। पीलीभीत में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। इसी को लेकर 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन प्क्रिया पूरी की जानी है और 10 फरवरी को नाम वापसी होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेटिंग की गई। इसी के साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया,
नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन सिर्फ नामांकन प्रपत्रों की बिक्री का काम हुआ, जहां करीब 10 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हुई। फिलहाल अब तक कोई नामांकन नहीं कराया गया है। जनपद पीलीभीत की चारों विधानसभाओं के लिए आज नोटिफिकेशन हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारियों के साथ भी मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक करके जो भी माननीय आयोग के निर्देश हैं आदर्श आचार संहिता को लेके, नामांकन को लेके, वो उनको समझाए गए। हमारी जो बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं हैं आरओस के चेंबर की, जहां पे नामांकन होना है, उसका भी हमने सुबह जायज़ा लिया है और सभी ड्यूटियाँ मौके पर पहुँच गई हैं। सभी पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोग के निर्देश के क्रम में ये नामांकन प्रक्रिया पूरी कराएंगे और उसके आगे चुनाव भी उसी तरीके से रहेंगे। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर देहात में अकबरपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला ने आचार आदर्श संहिता का उल्लंघन किया, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की भी अनदेखी की है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला ने अपने रानिया अकबरपुर विधानसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का अकबरपुर में उद्घाटन किया। इस बीच दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में पूजा अर्चना की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सहित किसी भी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। वहीं इस मामले में जिले के एडीएम ने वीडियो देखकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए कोई भी कार्यक्रम कराने के संबंध में अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं है। 31 तक सभी जितने भी
जनसभाएं और उसको प्रतिबंधित किया गया है। वीडियो बैन के संबंध में कुछ स्थल जो आरओ द्वारा चिन्हित होंगे उन स्थलों पर वीडियो बैन वहाँ खड़ा करके वहाँ की जितनी क्षमता होगी 50% क्षमता के साथ वहाँ पे लोग खड़े होकर वीडियो बैन में जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है उसको देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के दौरान प्रिंसिपल की तरफ से प्राथमिक स्कूल के बच्चों में महापुरुषों के साथ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शोहरतगढ़ ब्लॉक संस्थान केंद्र के प्राथमिक विद्यालय रामपुरवा तिवारी का बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली है। मामले का संज्ञान लेकर बीएसए को जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है और ये कल रात में ये चीज़ संज्ञान में आई है कि सोशल मीडिया पर के माध्यम से कि ये वीडियो और शिकायत हुई है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो इस क्रम में ऑलरेडी बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया गया और उन्हें बोल दिया गया कि शो कॉज नोटिस इशू करें और जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से फिर उसमें कार्रवाई भी आरपी लोक प्रतिनिधित्व जो हमारा एक्ट है उसके तहत जो इलेक्शन में आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी वो कार्रवाई भी की जाएगी। ललितपुर के कोतवाली तालबेहर पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 10,000 के अंतर्राज्यीय इनामी अपराधी को कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में करीब 23 मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। बताया जा रहा है कि फरवरी 2021 से ललितपुर पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी हुई थी। मामले का खुलासा ललितपुर के एसपी निखिल पाठक ने किया है। सूचना के आधार पर तालबेहट पुलिस एवं एसओजी द्वारा धर्मेंद्र जो कि जिला झांसी का निवासी है उसे गिरफ्तारी की गई है। धर्मेंद्र हमारे यहाँ पर फरवरी 2021 से चोरी के एक मुकदमे वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था। ये एक पेशेवर अपराधी है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश में एवं उत्तर प्रदेश में करीब 23 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये एक अंतर्राज्यीय अपराधी है और अपने साथियों के साथ मिलकर के चोरी की घटनाएँ जो है पारित करता है। ये जब गिरफ्तार हुआ तो इसके पास से एक तमंचा और एक कारतूस जो है बरामद किया गया है और इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती सदर कोतवाली के महाराणा प्रताप चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से काफी देर यातायात बाधित रहा। आग पर काबू पाने के लिए महाराणा प्रताप चौक पर आवागमन बहाल हुआ। माकपा, भाकपा और भाकपा माले तीनों वामपंथी दलों के संयुक्त प्रत्याशी के कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे कामरेड इंदुरेश मुखेरी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद से ही सघन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार कर्णप्रयाग विधानसभा के मतदाताओं ने उनके पक्ष में आशीर्वाद देने का मन बना लिया। बहरहाल भाकपा माले के इंदुरेश मुखेरी का चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से गांव गांव घर घर चल रहा है। वो लोगों से उनके पक्ष में वोट करने आशीर्वाद देने की अपील लगातार कर रहे हैं। तीन वामपंथी पार्टियां भाकपा, माकपा, भाकपा माले यहां तीनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से भाकपा के कॉन्ट्रेड विनोद जोशी उम्मीदवार हैं, खराली विधानसभा से माकपा के कॉन्ट्रेड कुंवर राम उम्मीदवार हैं और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से मैं इंद्रेश मैथुरी भाकपा माले की तरफ से। वामपंथी पार्टियां इस प्रदेश के भीतर जो शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, जल जंगल जमीन पर लोगों का अधिकारों का सवाल और जो इस प्रदेश की बदहाली है, पिछले 20-21 सालों में विधानसभा के भीतर जनता के सवालों की आवाज नहीं सुनाई दी है।
गदरपुर की तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन कक्ष में अरविंद पांडे के संग दो लोग दाखिल हुए। अरविंद पांडे ने कहा कि चारों तरफ बीजेपी की लहर चल रही है। गदरपुर विधानसभा में हार जीत समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रयास से उत्तराखंड में बीसीसीआई की मान्यता मिली है, जिससे क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिल रहा है। सभी का आशीर्वाद लेके आज मैंने नॉमिनेशन किया है और अंदर नॉमिनेशन के वक्त आज हमने शपथ भी लिया है। यह लोकतंत्र में अपने संविधान के तहत यह प्रक्रिया नॉमिनेशन में पहली बार हुई है और शपथ लेते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के वक्त भी जो हमने शपथ लिया है हम 100% इसका पालन करेंगे और जो जनता का आशीर्वाद है बहुत प्रचंड बहुमत के साथ। मोदी जी पे आम जनता का विश्वास है, कमल के फूल पे आम जनता का विश्वास है। 100% जो जनता ने हमसे उम्मीदें की हैं हमने भी कोशिश किया कि उसको पूरा किया जाए और उसी वादे को जो हमने पूर्ण किया है उसी के तहत आम जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। नैनीताल से 58 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के दौरान बीजेपी नेता मोहन सिंह नेगी और दया किशन पोखरिया साथ में मौजूद रहे। कालाडूंगी 60 विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी के बंशीधर भगत ने कालाडूंगी तहसील परिसर में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बंशीधर भगत को इस बार भी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाने को कहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से घर घर जाकर चुनाव प्रचार पहले से ही तेज कर दिया गया था। नॉमिनेशन हुआ है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और पार्टी के द्वारा के अलावा यहां की जनता और यहां के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर काम किया है वैसे ही आगे भी करेंगे। काशीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए त्रिलोक सिंह चीमा ने चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि बीजेपी से 4 बार से लगातार विधायक चल आ रहे हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा ने एसडीएम कार्यालय पहुंचते हुए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 5वीं बार काशीपुर में फिर से बीजेपी का परचम फहराया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम एक साथ आपको दिख रही है और हम सब एक परिवार की तरह एक साथ हैं और एकजुट होकर हम ये भारतीय जनता पार्टी की सीट जैसे हमने हमेशा निकाली है, इस बार भी काशीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सीट इस काशीपुर विधानसभा से निकालेंगे। हम लोग जो है अब डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत उनका आशीर्वाद मिल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो निश्चय है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।